बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक मां ने अपने 15 महीने के बच्चे को बचाने के लिए बाघ से लड़ गई। बाघ के नाखून महिला के फेफड़े तक घुस गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह 20 मिनट तक लड़ती रही और बाघ के जबड़े से अपने बेटे को छुड़ा लिया। महिला की हालत गंभीर होने के चलते उसे जबलपुर रेफर किया गया है। घटना के रोहिना गांव की है। जानकारी के अनुसार मानपुर बफर जोन से लगी ज्वालामुखी बस्ती में रहने वाले भोला बस्ती चौधरी की पत्नी अर्चना रविवार सुबह लगभग 10 बजे अपने बेटे राजवीर को नजदीक की बाढ़े में शौच के लिए ले गई थी। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा बाघ लकड़ी कांटे की फेसिंग को फंदा कर अंदर आया और बच्चे को अपने जबड़े से दबा लिया। बेटे को बचाने अर्चना बाघ से भिड़ गई। इस दौरान बाघ के नाखून उसके फेफड़े तक घुस गए, लेकिन वो लड़ती रही। करीब 20 मिनट तक हुए इस संघर्ष का शोर सुन बस्ती के लोग लाठियां लेकर पहुंचे तो बाघ जंगल की ओर भाग गया। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में जांच के बाद महिला की गर्दन टूटने की बात सामने आई। हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर LN रुहेला ने बताया कि महिला की पीठ पर भी नाखून के गहरे घाव थे। टांके लगने के बाद भी खून रुक नहीं रहा था। बच्चे के सिर में चोट आई है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। टाइगर रिजर्व के अधिकारी गाँव में लगातार अलर्ट रहने के लिए मुनादी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी है। खेत में छिपे बाघ को जंगल में खदेड़ने के लिए हाथियों की मदद ली जा रही है।